हम जैसे हैं वैसे चले आए हैं, हम कोई लिपा पोती नहीं किए हैं, न खुंदर सज के आए हैं, यदि दाग लगा है तो दाग के साथ आए हैं। हम जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, हैं तो आप ही के प्रभु, यदि स्वीकार कर लीजिएगा तो ठीक रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग हैं मणिकरण गुरुद्वारा में, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पड़ता है। यह गुरुद्वारा पार्वती नदी के मध्य में बसा हुआ है। यहाँ गुरुद्वारा के साथ साथ शिव जी का विशाल मंदिर है। यह समुद्र तल से 1760 मीटर की ऊंचाई पे बसा हुआ है। और यदि आप कुल्लू से यहाँ आना चाहते हैं तो कुल्लू से इसकी दूरी लगभग 35 किलोमीटर तक की है। यहाँ एक तरफ शिव जी का मंदिर है तो दूसरी तरफ गुरु नानक जी का ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। दोनों ही अपने आप में बहुत ही भव्य और विशाल और सुंदर प्रतीत होते हैं। पार्वती नदी से जुड़े होने के कारण दोनों बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं। यहाँ मंदिर और गुरुद्वारा दोनों से लगती हुई बहती है पार्वती नदी। एक तरफ नदी का पानी बहुत ही ठंडा बर्फ के समान होता है, उसके दूसरी ही तरफ दाहिने ओर बर्फ का पानी बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। मणिकरण अपने गर्म पानी के वजह से भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। देश से ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं। माना जाता है जो लोग यहाँ पे चर्म रोग या गटकी जैसे बीमारियों से जूझ रहे हैं वो यहाँ आके नहाते हैं और अपनी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। जन्म सिद्ध और ज्ञानी ज्ञान द्वारा लिखित त्वाड़िक गुरु खालसा में इस बात का उल्लेख है, गुरु नानक जी ने अपने भाई खालसा और पंच प्राणी के साथ यहाँ की यात्रा की थी, इसलिए पंजाब से बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। जो भी पंजाबी भारत के बाहर रहते हैं वो भी यहाँ आते हैं। यहाँ आपको देसी और विदेशी सभी तरीके के लोग मिलेंगे। पर्यटक यहाँ बड़ी लाखों संख्या में गिरते हैं, आते हैं, और यहाँ दोनों समय पूरे वर्ष लंगर चलता है। गुरुद्वारा मणिकरण साहिब गुरु नानक देव की यहाँ की स्मृति में बना था। माना जाता है कि गुरु नानक देव जी ने अपने भाई मर्दाना को लंगर के लिए यहाँ कुछ दाल और आटा लाने के लिए कहा था। अब गुरु के लिए समस्या यह थी कि खाना पकाने के लिए आग तो था ही नहीं, तो अब खाना कैसे पकेगा? बिना आग के खाना पकाना तो असंभव है। गुरु नानक देव जी ने अपने भाई मर्दाना को एक पत्थर उठाने के लिए कहा। पत्थर उठाते ही वहां से गर्म पानी की धारा बहने लग गई। निराश मर्दाना ने चपातियों को पान के पत्तों में डालकर बहा दिया। गुरु नानक द्वारा निर्देश देने पर मर्दाना ने भगवान से प्रार्थना की, अगर उनकी चपाती वापस पानी पर तैर आई तो वो एक चपाती भगवान को दान देंगे। जब मर्दाना जी ने प्रार्थना की तो सभी चपाती पकी हुई पानी पर तैरने लग गई। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, यदि कोई व्यक्ति भगवान के नाम पर दान देता है तो उसका डूबा हुआ सामान धन आदि अपने आप ही तैरने लगता है। यहाँ गुरुद्वारे के लंगर में जो भी खाने बनते हैं, स्पेशली चावल और चाय जो है वो इसी पानी से बनते हैं। कहा जाता है कि इस पानी से चाय बनाने चाय से की मिठास और दुगनी हो जाती है। यहाँ लंगर के साथ साथ गुरुद्वारे के साथ साथ बाबा जी का बहुत ही विशाल मंदिर है, जो कि बहुत ही ज्यादा भव्य है। लोग यहाँ आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेके, और माना जाता है कि वो कभी खाली हाथ नहीं जाते यहाँ से। यहाँ शिव जी का बहुत ही विशाल मंदिर मूर्ति है। Надо в другое ухо. Вот это.
это будет Прабу в это, да? Я уже не сердце. А я в это. यहाँ पर्यटकों के लिए सफेद कपड़े में चावल बांध के दिया जाता है जो पर्यटक खरीदते हैं और उसे इसी गर्म पानी में पकाते हैं। माना जाता है कि जो नव दंपति हैं वो यहाँ चावल पकाते हैं तो उन्हें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यहाँ मंदिर के चारों ओर जो आप धुआं देख रहे हैं वो कोई धुआं या यज्ञ का धुआं नहीं है, वो गर्म पानी का धुआं है जो कि मंदिर के चारों तरफ फैला हुआ है। एक मान्यता ये भी है कि मनु ने यहीं महाप्रलय के विनाश के बाद मानव की रचना की थी। माना जाता है कि यहाँ कुल्लू के राजा ने अयोध्या से भगवान राम की मूर्ति लाकर स्थापित की थी। यहाँ भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु तथा भगवान शिव के मंदिर भी स्थित हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहाँ का नाम इस घाटी में शिव के शाम विहार के दौरान माता पार्वती के काम की बाली खो जाने के कारण बना। चलिए अब हम आपको आगे इनकी पौराणिक मान्यताओं के बारे में बताते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मणिकरण ऐसा पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव और माता पार्वती 11,000 वर्षों तक तपस्या की थी। माता पार्वती जब यहां जल क्रीड़ा कर रही थी तो उनके कानों में लगे दुर्लभ मणि यहां गिर गई। तब भगवान शिव ने अपने गढ़ों को उस मणि को ढूंढने के लिए भेजा। तमाम कोशिशों के बाद भी माता पार्वती का वो मणि नहीं मिला। यह देख भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए और उनके क्रोध को देख के बाकी सारे देवी देवता भी डर गए। शिव जी यहाँ इतने क्रोधित हो गए कि उन्हें अपनी तीसरी नेत्र खोलनी पड़ी। तभी सभी देवता शेष नाग के पास गए और मणि मांगने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुन शेष नाग ने उस मणि के साथ बाकी सारी मणि भी लौटा दी, पर वो इस घटना से बहुत ही ज्यादा नाराज हुए और शेष नाग ने बहुत जोर की फूंक मारी जिससे यहाँ मणि प्राप्त होने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। तभी से यहाँ का नाम मणिकरण पड़ा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहूं, हिंदू पौराणिक धर्मों और स्थानों को आपको बताते रहूं। हर हर शंभु। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।